प्रश्न हम लोगों से बराबर पूछा जाता है जब हम इस मंदिर मुक्ति के विषय पे बात करते हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया में हो, चाहे आपस में जो मित्रगण हो, कि जो हो गया है इतिहास में उसको भूल के क्यों ना आगे बढ़ा जाए और जो गलतियां हो चुकी हैं उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो गलतियां ज़ख्म देती है और उस ज़ख्म को कुरेदने की क्या ज़रूरत है। और जो हमारा पूरा एजेंडा है, हमारा जो पूरी मुहिम है मंदिर मुक्ति की, इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरी थीम को किसी ना किसी तरह से डैमेज या डिरेल करने की कोशिश की जाती है। मंदिर मुक्ति ही एक इतना बड़ा इशू क्यों है और क्या मंदिर मुक्ति के मार्ग से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है क्या? जैसे हम अपने घर पे अगर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं, या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं, वैसे ही अगर आज एक सामाजिक जीवन में, आज एक स्पिरिचुअल जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो जो हमारे साथ इतिहास में जातियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं हमारे पुरखों के साथ, हमारी मूर्तियों के साथ, हमारे मंदिरों के साथ, जब तक हम उनको यथोचित सम्मान ना दे दें, मुझे लगता है तब तक एक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड, ब्रिज, पेट्रोल के दाम कम करना, ज़्यादा करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है और ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ है, इसको हमने डेवलप किया है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।